हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रतीक आईआईटी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बटन पैनल के बारे में। तो ये बटन पैनल क्या है, कैसे काम करता है, चलिए आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम हमारा ब्राउजर ओपन करेंगे। ओपेरा में मैंने ये आईडी ऑलरेडी लॉगिन करके रखी हुई है। कुछ इस तरीके से ये हमारा होम पेज है, डैशबोर्ड जिसे हम कहते हैं, ये दिख रहा है हमें। हम सीधे चलते हैं व्हाट्सएप में। यहाँ देखिए, ये एक आईडी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नंबर स्कैन करके रखा हुआ है। अगर आपको कोई और नंबर एक्स्ट्रा में नंबर स्कैन करना है तो आप एड अकाउंट में जाके स्कैन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे पे क्लिक करूंगी। देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारे फंक्शंस जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें ऑटो रिस्पॉन्डर, बल्क मैसेजिंग, चैटबोर्ड, बटन टेम्पलेट्स हमारे पास है और एपीआई, ये सारे फंक्शंस हमें इसमें मिल रहे हैं। बटन टेम्पलेट्स में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, बटन टेम्पलेट्स में हम बटन जनरेट कर सकते हैं कि हमें उन्हें कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पे लिस्ट मैसेजिंग टेम्पलेट्स और बटन मैसेजिंग टेम्पलेट्स है, तो बटन टेम्पलेट्स में अगर मैं जाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक बना के रखा हुआ है, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे एक बटन है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है, इसमें सारे बटन्स बने हुए हैं। इसी तरीके से आपको, आप चाहें तो अपने लिए बटन्स जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं एड न्यू पे जाके। इसके बाद आता है चैटबोर्ड। चैटबोर्ड में भी देखिए, यहाँ पे ये मैंने चैटबोर्ड पे दो चैटबोर्ड जनरेट करके रखे हुए हैं। यहाँ पे बहुत इजी सा प्रोसेस है, एड न्यू में जाके आप चैटबोर्ड बना सकते हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर अवेलेबल है इसमें। ऑटो रिस्पॉन्डर से आप ऑटोमेटिकली, जिस जो भी पर्सन आपको कुछ भी रिप्लाई करे, तो वो ऑटोमेटिकली मैसेज उस क्लाइंट के पास या उस कस्टमर के पास आपका पहुंच जाएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए हम जाएंगे बल्क मैसेजिंग में। बल्क मैसेजिंग में कॉन्टैक्ट ग्रुप पे सबसे पहले हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एक ग्रुप जनरेट करना है, तो हम एक ग्रुप जनरेट करेंगे। यहाँ पे सबमिट कर दूंगी। देखिए, ग्रुप यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब हमें इसमें कॉन्टैक्ट पुट करने हैं। आप अगर चाहें तो इसमें CSV अपलोड कर सकते हैं, अगर आपने CSV फाइल बनाई है तो। या आप नॉर्मल मैनुअली भी यहाँ पे नंबर 91 के साथ पुट कर सकते हैं, या अगर कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 91 के साथ ही आपको नंबर्स पुट करने हैं। देखिए, यहाँ पे दो नंबर्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिए हैं, इसे मैं सिंपली सबमिट कर दूंगी। देखिए, यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट्स आ गए हैं। अब हम चलते हैं क्रिएट कैंपेनिंग में। देखिए, यहाँ पे ये क्रिएट कैंपेनिंग का ये जो ब्लॉक है, इसमें अगर हम चाहें तो नॉर्मल मैसेज भी भेज सकते हैं बल्क में। यहाँ पे नॉर्मल फाइल मैनेजर सिलेक्ट करके, कॉपी पेस्ट करके, हमारा जो भी मैटर है उसको लिख के उससे भी कर सकते हैं। या जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बटन बना के रखे हुए हैं, तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक नाम दे देंगे कैंपेनिंग को। जैसे अभी मैं फिलहाल के लिए उसको दे देती हूँ टेस्टिंग का नाम। हम अपना ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, जिस भी नाम से हमने ग्रुप बनाया है, डेमो के नाम से बनाया है। बटन्स में देखिए, मैं सिर्फ सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगी, मुझे और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हम शेड्यूल कर सकते हैं हमारे मैसेज को, कल के लिए, परसों के लिए, आज के लिए, हमारे ऊपर है। यहाँ पे देखिए, मल्टीपल ऑफ 5 आपको यहाँ पे सेकंड्स रखने हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए 5 to 10 सेकंड्स रख रही हूँ, और यहाँ पे सिर्फ मैं इसे शेड्यूल कर दूंगी। ये देखिए, शेड्यूलिंग हो गई है, मतलब ये मैसेजेस जा रहे हैं अभी यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मैसेजेस सेंड हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे मेरा जो मोबाइल है वो कनेक्ट करके रखा हुआ था एनीडेस्क पे। देखिए, ये मैसेज हमें यहाँ पे मिल गया है ऑन टाइम 1:06 पे। ये देखिए, ये मैसेज आपको दिख रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैसेज है यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये लिंक मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि मैंने वहां पे लिंक पुट करी थी। इस तरीके से आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी एड कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगी, देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज यहाँ पे पुट करी हुई थी, तो वो आ गई है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, ये मैसेज मुझे यहाँ पे रिसीव हो गया है। ये मैंने एक्चुअली चैट बोर्ड में ऑन करके रखा हुआ था, तो मैंने जैसे ही यस पे क्लिक किया तो ये मैसेज मुझे यहाँ पे रिसीव हो गया। अब मैं जैसे ही नो पे क्लिक करूंगी, तो देखिये यहाँ पे आ गया, थैंक्स फॉर योर टाइम। अब अगर आपको जैसे ऑटो रिस्पॉन्डर एक्टिव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो हमने चैटबोर्ड सेट किया है इसे क्लोज करना होगा, और फिर हम जाएंगे ऑटो रिस्पॉन्डर पे। यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे और सिंपली सबमिट कर देंगे। ये सक्सेस यहाँ पे लिख के आ गया, मतलब ये इनेबल हो चुका है। अब जैसे कि अगर मैं वापस अपने फोन पे अगर जाऊं, यहाँ पे कुछ भी ऐसे टाइप अगर करूं मैं, जैसे ये सारे मैसेज आए, मैंने सिर्फ सिंपली हाय लिख के भेजा, तो ये देखिए
ये यहाँ पे मुझे जो मैंने ऑटो रिस्पॉन्डर पे जो मैंने अपनी चीजें यहाँ पे पुट करी हुई थी ये मुझे इजीली दिख रही है, यहाँ पे विजिबल है बहुत अच्छे से। तो देखा आपने कितनी इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल सॉफ्टवेयर है ये हमारे लिए, बहुत इजीली हम इसे यूज कर सकते हैं हमारे बिजनेस मार्केटिंग के लिए। इस पैनल से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।